प्रदेश की बिजली कंपनियों में कार्यरत जूनियर एवं सहायक इंजीनियरों के संगठन में मध्य प्रदेश विभाग मंडल पत्रोपाधि अभियंता संघ द्वारा सात सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश में वृत्त स्तर पर जूनियर व सहायक इंजीनियर एकत्रित होकर मांगों के समर्थन में धरना दे रहे। इसी कड़ी में सागर के मकरोनिया स्थित बिजली कंपनी के कार्यालय परिसर के पास धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से अपनी मांगों को लेकर सरकार और विभाग के उदासीन रवैया को लेकर प्रदर्शन में शामिल कर्मियों ने सरकार को चेताते हुए खूंखारी खोटी सुनाई और अधीक्षण यंत्री को ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। धरना प्रदर्शन में शामिल संगठन के पदाधिकारी के मुताबिक जूनियर तथा सहायक इंजीनियर की पदोन्नति की मांग, रिक्त पदों पर भर्ती, करंट चार्ज दिए जाने, समान वेतन एवं ग्रेड पे देने और 304A के तहत होने वाली कार्रवाई पर तत्काल रोक शामिल है, जिसको लेकर चरणबद्ध आंदोलन के तहत आज का प्रदर्शन किया गया और जल्द मामले में उनकी मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पत्रोपाधि अभियंता संघ के प्रांतीय आंदोलन के तहत माननीय ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया जाना है, जो कि मुख्य अभियंता सागर क्षेत्र के माध्यम से दिया जाएगा। हमारी प्रमुख मांगे हैं पदोन्नति और जो हमारे जूनियर कनिष्ठ अभियंता हैं उनको 2018 के बाद जो भर्ती हुई उनको समान वेतन लागू करने का, और एक प्रमुख मांग ये है कि जो 304A के प्रकरण के तहत कार्रवाई करने वाली बात की गई है उसे तत्काल समाप्त किया जाए। इस प्रकार से हम लोगों की सात मांगे हैं और इसका चरणबद्ध कार्यक्रम है। अगला चरण जो है माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करेंगे, जो कि हम अपने मैनेजिंग डायरेक्टर जबलपुर के माध्यम से जो अनशन पे आप जो बैठे हैं, तो एक ही दिन का है कि लगातार चलता है? नहीं, आज का धरना है। आज अभी शाम के 12 से शाम के 5 तक धरना देंगे और 5 हम लोग ज्ञापन प्रेषित करेंगे। अगले चरण में हम जबलपुर पहुँच के पूरे प्रदेश से और हम लोग वहाँ पे MD महोदय को अपना ज्ञापन देंगे, जो कि मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित करेंगे।